प्रकाश, अरे तुषार सर अरे क्या हुआ आपकी वो शॉर्ट फिल्म का बन गई क्या? नहीं अभी बनी नहीं, थोड़ा काम बाकी है। तू बता, तू कहाँ गया था इतने दिन? हम तो गांव गए थे मामा के लड़के की शादी में। अरे कल ही तो आए। अच्छा वो सुजा अंकल कैसे हैं? उनकी बेटी के बारे में पता चला, हुआ क्या था? पता नहीं, आखिरी बार जब मैं मिला था बिल्कुल ठीक थी। परसों डिसूजा सर का फोन आया कि तुरंत चले आओ, दुकान संभालनी है, आज के बाद मैं दुकान पर नहीं बैठूंगा। हम आ गए, पता नहीं आखिर हुआ क्या। और जब कल मैं उनके घर गया तो वो घर पर भी नहीं थे, चाबी गार्ड को दे रखी थी। गार्ड ने ही बताया कि उनकी बेटी एक्सपायर हो गई है। यार छोड़िए ये सब चीजें, सर आप ये बताइए स्तुति मैडम कैसी हैं? आप लोगों की शादी वादी हुई या नहीं हुई, या ऐसे ही? अब ऐसे भी शादी की जरूरत क्या है, आजकल तो सब लोग ऐसे ही रह लेते हैं। आप लोग भी तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। अरे क्या सर, आप तो बुरा मान गए, सॉरी सर। ये सीडी लेके जा रहा हूं, एंट्री कर लियो। बाय सर। हाँ हाँ माँ, हम कर लेंगे शादी। अच्छा ठीक है, आज सैटरडे है, कल संडे और परसों मंडे। मंडे को पक्का हम शादी कर लेंगे। ओके खुश माँ, अभी ना पीछे पड़ जाते हो। शादी है, कोई वेजिटेबल थोड़ी ना है कि गए बस और हो गया। अच्छा ओके ओके काम डाउन, दिसंबर में फाइनल हम शादी कर लेंगे, ठीक है? अच्छा मॉम अभी मुझे जाना पड़ेगा, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं आपको कल कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। आई टेल यू, दुनिया की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर हम दोनों शादी कर देंगे। तो एक काम करते हैं ना, अब हम सॉल्व कर देते हैं। अच्छा कैसे? लेट्स गेट मैरिड। नो यार, वी विल गेट मैरिड व्हेन वी वांट टू, एंड जस्ट बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स पैनिक कर रहे हैं, आई कैन फोर्स यू ना, इट्स ओके। वैसे तो गुस्से में बड़े क्यूट लगते हैं। अच्छा शट अप यू तुषार। अरे वो सब छोड़, तू क्या चाहती है? यू वांट टू गेट मैरिड राइट? या आई मीन शादी कर लेते हैं ना, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन ना
लास्ट मोमेंट में मुझे टच मत करियो। अपने बॉस के लिए जानता हूँ उसको पसंद करती है। शट अप। कौन सी फिल्म है? आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। अभी मेरे कॉल सेंटर पिकअप कैब आने में आधा घंटा बाकी है, तो लेट्स वॉच दिस मूवी। ठीक है, लेट्स वॉच इट। एंड आई हेट दीज नाइट शिफ्ट्स, बट जाना तो पड़ेगा ना। I know. But anyways, let's watch the movie now. Come. Oh God, not again. लगता फिर से खराब सीढ़ी दे दी इसने। हेलो। हाँ भैया, आप आ भी गए? ओके, ठीक है, मैं आती हूँ। इस कैब वाले को भी आज ही जल्दी आना था। सॉरी बेबी, जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम टीवी पे कुछ और देख लो, क्या पता किसी चैनल पे कोई अच्छी मूवी आ रही होगी। और हाँ, कल ना उस शॉप वाले को जाके अच्छे से डांटना। अरे भाई, उन्हें सीरीज देख कर देनी चाहिए ना, ये क्या बात हुई। आई नो। एनीवेज, बाय बाय। चल जा यार। मजाक है? ऐसे ऐसे कैसे कर हो सकता है? हम शो कोई मजाक कर रहे हैं, लेकिन लेकिन मजाक में कोई किसी का खून कैसे कर सकता है?
पासवर्ड। कोई भी तो नहीं है, कोई भी नहीं है। नहीं, मैंने अभी देखा तुषार, कोई लड़की थी दुल्हन के कपड़ों में, अभी थी वहाँ पे, कहाँ चली गई वो? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ। नहीं तुषार, प्लीज मत जाना। बहुत डर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तुषार मैं आ रही हूँ, रुको।
तुषार, तुषार कहाँ हो तुम? तुषार तुषार कहाँ हो तुम? तुषार कुछ समझ नहीं आ रहा सती, ये सब क्यों और कैसे हुआ? पहले वो सीढ़ी चलती नहीं है, फिर अचानक से चल जाती है। उस वीडियो में एक डरावनी सी औरत किसी आदमी का खून कर देती है, फिर एक नंबर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उससे मुझे फोन आता है, और कोई अजीब सी आवाज में मुझे ये कहता कि बस 24 घंटे हैं, तेरी मौत तुझसे मिलने आएगी। उसके बाद सारी डरावनी चीजें होती हैं। मैं किचन में जाता हूँ, वहां मेरा पैर किसी चीज से टकराता है और मैं गिर जाता हूँ। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं, ये सब कुछ उस सीढ़ी से शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं ये सिटी की वजह से सब कुछ हो रहा है। हम उस सीडी को ही खत्म कर देंगे। जब सीडी नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सीडी तो ये होनी चाहिए, मैंने सीडी को निकाला भी नहीं। तुषार, मैंने सारी सीडीज देख ली, वो सीडी कहीं भी नहीं है। पूरा घर देख लिया मैंने। तो ये सब कुछ सीडी से जुड़ा हुआ है, हमें पता लगाना कि वो सीडी कहाँ है, किसकी है, कहां से आई और किसने बनाई, और वो औरत मुझे डरा क्यों रही है। सब सवालों का जवाब सीडी से जुड़ा हुआ है। तुषार, तुम आराम करो प्लीज, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। मैं हूं ना, मैं पता करूंगी सीडी का। तुषार, वो वीडियो लाइब्रेरी, आई एम श्योर वहां से सीडी के बारे में जरूर पता लगेगा। मैं जाऊंगी वहां, लेकिन तुम्हें अकेले छोड़ के मैं नहीं जा सकती। सुती, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, तुम्हें जाना ही होगा। वो सीडी का पता लगाना बहुत जरूरी है। और 24 घंटे पूरे होने ही वाले हैं। तुम ठीक कह रहे हो तुषार, मुझे जाना होगा, लेकिन प्लीज प्रॉमिस मी कि तुम यहीं रहोगे और आराम करोगे। तुम्हारे मालिक दोनों को जेल भिजवा दूंगी, समझे तुम? अरे स्तुति मैम, आखिर हुआ क्या? क्या हुआ? कैसी फिल्म है ये? What the hell is this? जानना चाहते हो क्या हुआ? बस 24 घंटे हैं, तेरी मौत तो
तुझसे मिलने आएगी। ये सब कुछ हुआ है क्या? तुषार सर के साथ भी ऐसा हुआ है? एक मिनट, तुषार के साथ भी मतलब? और लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है? बताओ मुझे। कल एक आदमी आया था, वो भी सीढ़ी लेकर गया था, उसको भी सीढ़ी में धमकी मिली, काफी डरा हुआ था, आते मुझ पे चिल्लाने लगा। तो जब मैंने उससे पूछा कि वो सीढ़ी कहाँ है, तो बोलता है कि सीढ़ी अपने आप गायब हो गई। मुझे तो लगता है या तो उसने सीढ़ी गायब कर दी या फिर वो पागल है। लेकिन मैम, अगर आप कह रहे हैं तो मुझे यकीन हो रहा है कि गड़बड़ कुछ है। मैम, वो सीढ़ी है कहाँ? पता नहीं, वो सीढ़ी अपने आप गायब हो गई। मैम, सीढ़ी गायब हो गई? पर कसम से मैम, मुझे कुछ नहीं पता कि सीढ़ी में आखिर है क्या, कौन सा भूत उस सीढ़ी में है। मैम, भगवान के लिए मुझे पुलिस स्टेशन में मत देना, मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ। चाहे तो आप डिसूजा सर से बात कर सकते हैं, वही सीढ़ियाँ खरीदवाते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मैम, मैम मुझे पुलिस में मत दीजिए प्लीज। एक सेकेंड, वो जो आदमी वो जो सीढ़ी लेकर गया था, उसका कुछ नाम एड्रेस कुछ तो होगा, वो कब लेकर गया सीढ़ी? यस मैम, एक मिनट। जल्दी मैम, ये रहा उसका एड्रेस, कल दोपहर में आया था वो। तुषार सर के जाने के ठीक एक घंटे बाद मैडम वो वापस शॉप पर आया था। ओह नो, 24 घंटे तो ऑलमोस्ट पूरे होने वाले। आई होप उन लोगों को कुछ हुआ ना हो, मुझे जाना होगा। भगवान के लिए मुझे पुलिस स्टेशन में मत देना, मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ। चाहे तो आप डिसूजा सर से बात कर सकते हैं, वही सीढ़ियाँ खरीदवाते हैं। मैंने कुछ नहीं किया। डिसूजा, मैं जानती हूँ वो कहाँ रहता है, हो सकता है उसे पता हो सीढ़ी के बारे में। 24 घंटे पूरे में बहुत कम टाइम बाकी है। Thank you.
मिस्टर डिसूजा, कोई है? मिस्टर डिसूजा, स्तुति, इट्स यू। मैं जानता था कि तुम आएगा। तुम सोच रहा होगा कि हम तुमको कैसे जानता है। प्रकाश का फोन आया था, उसने सब बताया मुझे। अगर आपको सब पता ही है तो फिर आपको ये भी पता होगा कि आपकी दुकान में एक ऐसी सीडी है जिससे लोगों की जाने जा रही है। यस आई नो। मिस्टर डिसूजा, मेरे पास आपकी पहेली भरी बातों का कोई वक्त नहीं है। मुझे बस इतना जानना है कि वो सीडी कहाँ है और उस सीरी में जो लड़की है वो आखिर है कौन? ये सब कुछ क्यों और कैसे हो रहा है? अब प्लीज मेरी मदद कीजिए, तुषार के लिए प्लीज। स्तुति, उस सीडी में जो लड़की है वो कोई और नहीं, वो मेरा मेरा अपना बेटी है। माय डॉटर लीजा। लीजा का वीडियो बनाने में बहुत इंटरेस्ट था। कैमरा लेकर दिन भर इधर से उधर बस वीडियो शूट करता रहता। चलो अब जल्दी से ना एक अच्छी सी ना स्माइल कर दो, ये वाली। लीजा अपनी मदर के साथ काफी क्लोज था। उसका मदर, माय वाइफ ग्लोरिया, उसकी डेथ के बाद तो लीजा एकदम टूट सा गया, शॉक में चला गया, वो पागल हो गया था वो। डॉक्टर को दिखाया, सबको दिखाया, मगर कुछ नहीं हुआ उसका। ऐसा लगता था कि लीजा कभी खुश नहीं हो पाएगा। वो लोग जिन्हें वो बहुत प्यार करता था विल लीव हर। उसका बॉयफ्रेंड भी इस कारण उसे इग्नोर करने लगा। हमको ना तुमसे शादी मनाने को मांगता, अदरवाइज ना आई किल यू इन 24 आवर्स। समझा ना? समझा। लीजा तो बस खुश रहना चाहता था, शादी करना चाहता था, वो फैमिली बनाना चाहता था। उसने अपने बॉयफ्रेंड को फोर्स किया मैरिज के लिए। उसका बॉयफ्रेंड नहीं चाहता था बट फिर वो मान गया। तुम अचानक से मेरी बेटी से शादी करने में कैसे एग्री हो गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लीजा उस दिन बहुत खुश था। मैंने मैरिज का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, लेकिन उस दिन लीजा को बहुत बड़ा शॉक लगा जब उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड उससे पैसे और प्रॉपर्टी के लिए शादी बनाना चाहता है और बाद में उसका मर्डर कर देगा। ही डिडंट लव हर। नहीं, मैं तो इसकी प्रॉपर्टी के वास्ते शादी बनाना मांगता। नहीं तो साइको से कौन शादी कर। पुअर लीजा, वो इतना बड़ा चीटिंग सह नहीं पाया। वो उस दिन बहुत गुस्से में था। उसने अपने बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाया और गुस्से में उसका मर्डर कर दिया।
और फिर उसे वीडियो पे रिकॉर्ड करके और फिर खुद को मार दिया। और फिर तब से वो सीडी अलग अलग कवर्स में सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाता जिनका मैरिज होने वाला होता, तो फिर 24 घंटे में उस कपल का मर्डर हो जाता। तो फिर वो सीडी अपने आप शॉप में वापस आ जाता किसी अलग कवर में। वो सीडी कर्स्ड है, लीजा का कर्ज। लीजा किसी को खुशी खुशी शादी मनाते नहीं देख सकता है। कोई तो रास्ता होगा जिससे इस कर्ज को रोका जा सकता है। रास्ता है, पहले उस सीडी को खोजना होगा और फिर उस कष्ट आदमी के सामने उस सीडी को डिस्ट्रॉय करना होगा। बस यही रास्ता है। पर वो सीडी मिलेगी कहाँ? लाइब्रेरी में, अगर उसे किसी ने इश्यू नहीं कराया होगा तो। लेकिन पता कैसे चलेगा कि वो वही सीडी है, क्योंकि बिना कवर के तो हर सीडी एक जैसी दिखती है। लीजा का एक हैबिट था, वो वीडियो शूट करके उस सीडी पर एक क्रॉस का मार्क बनाता था। एक मिनट, अगर आपको ये सब कुछ पता था तो आपने खुद क्यों नहीं उस सीडी को खत्म कर दिया? मिस्टर डिसूजा कहाँ है आप? सुती, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें उस सीडी का कुछ पता चला? हाँ तुषार, मुझे अभी के अभी लाइब्रेरी जाना होगा उस सीडी को खोजने, और उसे तुम्हारे सामने तोड़ना होगा। तभी क्या पता चला तुम्हें? तुषार मैं तुम्हें अभी वो सब नहीं बता सकती, अभी टाइम बहुत कम है, मुझे अभी जाना होगा तुषार। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं कॉल करती हूँ, बाय। इशू तो नहीं की ना? नहीं मैम, आज तो कोई भी नहीं है। थैंक गॉड। अरे मैम, उस आदमी का क्या हुआ जो तुषार सर से पहले सीढ़ी लेकर गया था? मैम आखिर कर क्या रही हैं आप? प्रकाश बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे वो सीढ़ी ढूंढनी है किसी भी हाल में। वो सीढ़ी पे बस क्रॉस का निशान होना चाहिए, वो सीढ़ी किसी भी हाल में खोज कर उसे तोड़ना है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो प्रकाश प्लीज। Thank you.
सीडी? नहीं मैम। हे भगवान। नहीं मैम, कोशिश कर रहा हूँ। Ha ha ha!
तुषार की जान नहीं लेने दूंगी। अब होगा तुम्हारा अंत।